नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कुपोषण मिटाने पूर्णतः मुस्तैद परियोजना टीम, जड़ से कुपोषण खत्म करने सभी का सहयोग जरूरी, बुडेकर। परियोजना परिसर में आयोजित हुआ स्नेह सारोकार सम्मेलन, 12 बच्चों को सामाजिक लोगों ने लिया गोद, जताया देखरेख जिम्मेदारी का भरोसा। यहां के परियोजना विभाग कार्यालय परिसर में कुपोषण मिटाने स्नेह सारोकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अति कम वजन के कुपोषित बच्चों को संकेतात्मक रूप से गोद दिलाकर समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त कर कुपोषण को जड़ से समाप्त करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद लेकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए परियोजना अधिकारी चयंद्र कुमार बुडेकर ने कहा, बच्चों में अल्प पोषण, दुबलापन, हाइट कम होने जैसे कारणों के चलते कुपोषण होने और कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए साथ ही उनके खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी सक्षम लोगों को सौंपने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि इस मौके पर अति कम वजन के कोई 12 बच्चों को समाज के लोगों द्वारा गोद लिया गया। वहीं परियोजना द्वारा पालकों को न्यूट्रिशन एवं हाइजीन किट प्रदान की गई। परियोजना सुपरवाइजर द्वारा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु स्वच्छता रखने का महत्व भी समझाया गया। वहीं बच्चों को गोद लेने वाले लोगों ने इस बात की प्रतिबद्धता दिखाई कि वे बच्चों का ध्यान रखेंगे और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराएंगे। आयोजित कार्यक्रम महिला एवं विकास विभाग द्वारा की गई अभिनव पहल है, जिससे कुपोषण से बचपन को मुक्त कराने का सपना साकार होने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका समूह सदस्य के अलावा आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हकीकत परियोजना कार्यालय में इसने सरोकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस संबंध में श्रीमान जी क्या विचार? आज परियोजना महिला बाल विकास आमला में इसने सरोकार अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये निर्णय हुआ था कि जो परियोजना अधिकारी कार्यरत हैं अपनी परियोजनाओं में एवं सुपरवाइजर जो कार्यरत हैं एवं आंगनवाड़ी स्तर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो कार्यरत हैं, अति कम और कम वजन के बच्चों को गोद उन्हें ही लेना है अंतिम रूप से। चूँकि पूर्व में भी ऐसा अभिनव प्रयास किया गया था लेकिन उसके परिणाम सुखद नहीं आए थे, इसलिए इसमें संशोधित करते हुए परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही बच्चे गोद लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभिनव प्रयोग के तहत हमने इसमें समूहों को भी जोड़ा है, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन दे रहे हैं उन समूहों को भी हमने बच्चे गोद लेने के लिए प्रेरित किया है। और इस तरह का जो प्रयास है, हमने जो शहरी सेक्टर है हमारा, शहरी सेक्टर से इस प्रयास को हमने प्रारंभ किया है और शहर में जो हमारे 6 समूह संचालित थे उन्हें भी जो है हमने एक एक बच्चा गोद दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसके सुखद परिणाम आएंगे। धन्यवाद। मैडम जी का प्रियंका सिंह पर्यवेक्षक आईसीडी सामने। मैं जानना चाह रहा था, आजकल तो इसने सरोकार सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इसमें बच्चों के पालकों को आप क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? बच्चों के पालकों को दिशा निर्देश देने के साथ साथ हमने यहाँ पे आज स्पेशली समूह के अध्यक्ष एवं सचिव को आमंत्रित किया गया है। पालकों को तो हम हमेशा आंगनवाड़ी जाकर उनको समझाइश देती है, लेकिन उनके वजन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण दायित्व अगर कोई निभा सकता है तो वो हमारे आंगनवाड़ी में चल रहे जो स्व सहायता समूह है, क्योंकि प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक स्व सहायता समूह चल रहा है और वो पोषण की जो स्थिति है बच्चों की उनमें सुधार ला सकते हैं। आज के सम्मेलन में कलते जो बच्चे आपके विभाग के द्वारा गोद लिए गए हैं जी, इनको कैसे क्या जिम्मा लिया गया देख रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी इस प्रकार ली जाएगी कि जिस भी समूह को समूह के अध्यक्ष को बच्चा गोद दिया गया है उसको तो पहले बच्चे की सारी स्थिति बताई जाएगी कि ये बच्चा किस स्थिति में है, और ज्यादातर बच्चे अपने अतिकम के हैं, अतिकम से हमको सामान्य वजन पर लाना है। सामान्य वजन पर लाने के लिए उनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। खान पान में ये ध्यान दिया जाएगा कि उस बच्चे को डेली पौष्टिक आहार मिले। पौष्टिक आहार में अपन यानी डेली का उनको साफ सफाई से संबंधित भी ज्ञान देंगे, उसके साथ में पौष्टिक आहार जो भी दाल चावल खा रहे हैं उसको और कैसे पौष्टिक बनाया जा सकता है, खिचड़ी आप बनाते खिचड़ी को कैसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है, यानी बच्चे को जितना भी खिला रहे हैं हम पौष्टिक खाना खिलाएं, ऐसा हम समूह को निर्देशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।